हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, है ना। तो इनसे भी जो है कि लगभग एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव का बात करें तो यहाँ पे जो कि बहुत शॉर्ट रहेगा वीडियो, ओनली 15 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्म में है मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चूँकि मैंने इसमें जो कि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो ये पटना हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर का बात करें तो ये आपका इलाहाबाद हो जाएगा, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे देखें, बात करें आगरा नदी, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, यह यमुना हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है, ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके बाद सूरत किस नदी पर स्थित है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, ये तापी हो जाएगा, यानी ताप्ती नदी जो है ये सूरत जो कि यहीं पे बसा हुआ है। उसके बाद बात करें उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में जहाँ कुंभ मेला लगाया जाता है, ये छिप्रा नदी के किनारे जो कि बसा हुआ। उसके बाद बात करें जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ये सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में निकलती है। उसके बाद नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करें जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ये हो जाएगा गोमती। उसके बाद गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये कानपुर हो जाएगा जो यूपी में अभी है। उसके बाद स्टील सिटी जिसे राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। उसके बाद साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, ये अहमदाबाद जो कि शहर के किनारे बहती है। उसके बाद नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, ये हो जाएगा आपका राप्ती नदी। तो 15-17 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स। ना जाने से डर लगा, मैं ना जाने से डर लगा।